हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से हैं क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें सत्तर प्रश्न दिया था अब बच्चों आप लोगों का ज्यादा कॉल आ रहा है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का भी आप क्वेश्चन प्रोवाइड करो तो बच्चों आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ लेकिन हाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि भाई साहब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इसलिए मैं अभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से बच्चों आपका एक बड़ा भाई होने के नाते क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं क्योंकि हो सकता है मेरा कुछ इंग्लिश जो है थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है तो आप लोग क्वेश्चन समझने में यहां पे केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करने आया हूं इसका मैं सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता इसका कारण यह है कि मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बाकी बच्चों हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए तो निरंतर वीडियो जाएंगे ही लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपको मैं ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे देते रहूंगा जैसे आज में भी दस क्वेश्चन अभी मैं ट्रांसलेट करके लाया हूं ये दस क्वेश्चन आप लोग है ना अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और दूसरी बात यह भी है बच्चों कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है रिस्पांस पर भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा रिस्पांस है बच्चों तब आपके लिए बेहतर कंटेंट और प्रोवाइड करूंगा यदि आपका रिस्पांस सही नहीं रहेगा तो आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो शेयर जरूर करना क्योंकि हिंदी मीडियम का हूं और हिंदी मीडियम तो हमेशा पढ़ाता हूं आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों तो इतना तो मेहनत करता हूं रात रात भर जा करके ऑब्जेक्टिव भी कर दूंगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन है राइट गॉस थ्योरम राइट गॉस थ्योरम एंड प्रूव दैट सिद्ध कीजिए मतलब दिस इज ए गॉस थ्योरम फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओके बच्चों दूसरा प्रश्न बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड ए कैप्सिटर्स संधारित्र किसे कहते हैं ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैप्सिटर्स समांतर प्लेट संधारित्र हिंदी में जिसे बोलते हैं तो ये थ्योरम है बच्चों थ्योरम ये थ्योरम तैयार करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थ्योरम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ना इसकी थ्योरम आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे इसके बाद तीसरा प्रश्न बच्चों व्हाट इज कॉल्ड राइट पोटेंशियल सर्फेस इक्शियल सर्फेस मतलब right यानी, है ना और इसके प्रॉपर्टीज आपको फोर प्रॉपर्टीज आपको याद करना है आगे देखिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका कैपेसिटर्स का ओके थ्योरम है दोनों थ्योरम है व्हाट इज इज संट सेंट क्या है सेंट राइट इट्स यूज बेनिफिट एंड अराइजिंग फॉर दिस और यहां पे आप लोग थ्योरम भी लिख लेना बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूं ना व्हाट इज सेंट एंड थ्योरम ऑफ सेंट मतलब जो आपका थ्योरम होता है प्रमेय होता है संट का थ्योरम यानी प्रमेय या ऐसा भी आ जाता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सं ठीक है तो इसका आप सेंट से रिलेटेड सेंट व्हाट इज सेंट द बेनिफिट्स एंड अराइजिंग फॉर दिस इससे क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस लॉस होता है सेंट का यूजेस ऑफ सेंट है ना और इसे आप लोग तैयार कर लेंगे जैसे यहां पर लिखा ही है व्हाट इज ए संट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट वही चीज है ठीक है क्वेश्चन रिपीटेड है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ किरसाफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों आपको तैयार करना बच्चों फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड ला फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है फर्स्ट एंड सेकेंड ला ओके इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइट एंड टेल ऑन विच फैक्टर्स इन मतलब किस कारक पर निर्भर करता है एक लंबी का तो ठीक है what a drift velocity? है चलिए व्हाट ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट ठीक है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको एक रिलेशन स्थापित करना है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर वर्किंग यानी कार विधि ट्रांसफार्मर का एंड थ्योरी वही है थ्योरी एंड दिस टाइप ठीक है दो टाइप होते टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ठीक है बच्चो एक अच्छाई और उच्चाई हिंदी से ठीक है तो ये इतने क्वेश्चन में अभी आपको दे रहा हूं अब सोचिए बच्चों आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूं इसको ट्रांसलेट करना होता है यार गूगल भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता ढूंढना पड़ता है तो सॉरी चाह जा, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों है ना यदि थोड़ी बहुत इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता हो फिर भी देखो भाई हिंदी मीडियम का एक मास्टर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है तो आप तो मेहनत करोगे ही ना उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आएगा यदि शेयर कर दोगे थोड़ा सा भी शेयर करोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ यार मुझे मेहनत करना चाहिए बाकी आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे जय हिंद बंदे मातरम